से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार श्राप पर मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रूडी ने नीतीश कुमार को अंतर आत्मा की आवाज सुनने की नसीहत दी है। वरिष्ठ सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं राजीव प्रताप रूडी। रूडी जी, बिहार में जो शराब कांड हुआ है उसके बाद बड़े सवाल हुए हैं, उठे हैं, क्या शराबबंदी होनी चाहिए या शराबबंदी पर विचार? मैं इस विषय पर तो जा ही नहीं रहा हूँ। हमारे पास एक लंबी सूची है, मरने वालों की सूची है, सभी जात सभी गरीब लोग यहाँ मर रहे हैं। आखिर अगर आपने नीति बनाया है, बिहार की सरकार ने नीति बनाया है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और नीति का अनुपालन ना हो और लोग अगर इस प्रकार से जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, तो आखिर शराब पहुंचा कैसे, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास गया कैसे, आखिर इस तस्करी के लिए जिम्मेवार कौन है, और आखिर इस मौत का उत्तर कौन देगा जो ये गरीब मर रहे हैं? इतनी बड़ी त्रासदी तो पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों में नहीं देखने को मिला है जो आज आप बिहार में देख रहे हैं। आखिर इसका उत्तर तो कोई देगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े सवाल उठाए हैं, बीजेपी को घेरा है और साफ कहा है कि पहले आप भी सहयोगी रहे हैं उनके, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी। नीति के अनुपालन का यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर आपकी नीति से लोग मर रहे हैं, तो सवाल है कि आप नीति का अनुपालन में शराबबंदी में अवैध शराब कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और उसमें आपकी क्या भागीदारी है, आप कैसे उसको रोक रहे, और अगर विफल है तो उसकी दायित्व तो लेना पड़ेगा। तो इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं बीजेपी। हम अभी सवाल का उत्तर ये है कि आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है, और किसी का अंतरात्मा तो होता है ना भाई, आखिर किसी, ये उनके लोग हैं, ये उनके मतदाता हैं, जिनकी गरीब के बारे में वो बात करते हैं, वो यही हैं मरने वाले। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पुनर्विचार? ये लोकतंत्र में सरकार जिसके पास बहुमत है उसका निर्णय है, और अगर कोई नीति बनाते हैं तो मौत के लिए नहीं, ये उसका अनुपालन उनका दायित्व है। धन्यवाद बात करने के लिए। और नीतीश सरकार को घेरते हुए बड़े सवाल उठाते हुए राजीव प्रताप रूडी इस पूरे कांड के लिए यहां पर नैतिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।